ओ हेलो भाइयों, मैं हूं लक्ष्य सोरान। ये है किया सेल्टोस 2022 वेरिएंट है। दो या तीन दिन पहले ये निकलवाई है नई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसकी की कैसी मिलती है आपको। तो कुछ ऐसी आपको की मिल जाती है इसकी किया सेल्टोस की, टॉप वेरिएंट की। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो आपको हॉर्न बजने लग जाएगा। बूट ओपन करने का मिल जाएगा आपको ऑप्शन, और ये सारा क्रोम में दिया हुआ है। और पीछे आपको मिल जाता है ऐसा कुछ किया का लोगो नए वाला, तो ऐसे कुछ मिल जाते हैं आपको पूरी की इसकी। तो ये है इसका टॉप वेरिएंट, जीटी लाइन से नीचे वाला जो आता है। और शुरू करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो कुछ ऐसे आपको मिल जाती है इसमें हेडलाइट, जिसमें चारों एलईडी दी हुई है। ऊपर आपको साइड में सारी डे टाइम रनिंग लाइट दी हुई है आपको, और नीचे कुछ ऐसा आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट वो फोग लैंप, और इसमें तीन एलईडी दी हुई है। और जो थ्रो बता देता हूँ अब मैं आपको, तो किया सेल्टोस की जो ये टॉप वेरिएंट है बेस वेरिएंट के, जो एलईडी लाइट है इनका थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रात को। और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसमें ये ग्रिल इसकी जो कि क्रोम में दी हुई है, और बीच में पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। और बीच में आपको मिल जाता है नया किया का लोगो। और यहाँ पे आपको आगे मिल जाता है टोइंग हुक, अगर आपकी गाड़ी कभी फंस जाए इसको अगर आप ऐसे दबाओगे तो ये निकल जाएगा, तो टोइंग हुक भी मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं इसकी साइड से। तो साइड से कुछ ऐसे आपको लुक मिल जाते हैं इसमें, और ऐसे कुछ आपको सिल्वर में मिल जाते हैं आपको अलॉय व्हील, जो कि है 17 इंचेस, जिनकी प्रोफाइल है 215/60R17, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जीटी लाइन वाले तो इसके बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, जीटी लाइन वाले। और इसमें बीच में आपको मिल जाता है किया का लोगो, वो भी नए में मिलते हैं आपको। और जेके टायर्स के आपको मिल जाते हैं इसमें टायर, तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं अलॉय व्हील। और आपको मिल जाते हैं आगे और पीछे इसमें डिस्क ब्रेक, आगे तो दी हुई है और पीछे भी इन्होंने डिस्क ब्रेक दी हुई है। और ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग भाई बहुत अच्छी है इसकी। और यहाँ पे आपको कोई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता, इसके बेस वेरिएंट पे आपको फेंडर पे मिलता है इंडिकेटर। और यहाँ पे कुछ ORBM पे मिल जाता है आपको इंडिकेटर। और आपने देखा होगा कि जो वरना है या फिर हुंडई की जो भी गाड़ी है और जो किया की गाड़ी है, उनमें सेम जो ORBM का डिज़ाइन है वो सेम है, क्योंकि इंजन भी सेम है, वैसे अधिकतर चीज़ें सेम है जैसे किया सेल्टोस और क्रेटा में। और यहाँ पे कुछ क्रोम के डोर हैंडल मिल जाते हैं, और बीच में सेंसर भी मिल जाता है जिसको दबा के आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। जैसे मैं दबाता हूँ इसको तो ये हॉर्न भी बजता है, और ये ORBM भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लॉक अनलॉक पे, हॉर्न भी बजता है। जैसे मैं अनलॉक करूँगा तो दो बार बजेगा ये हॉर्न। और यहाँ पे क्रोम का भी है, ये मेरे को पता नहीं, ये शायद से कंपनी फिटेड ही है ये क्रोम का वर्क। और अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से इसकी लुक कैसी मिल जाती है आपको। तो पीछे से कुछ ऐसी दिखती है ये, पीछे आपको कुछ ऐसी टेल लाइट मिल जाती है जो कि LED में दी हुई है। और यहाँ पे बीच में मिल जाता है अगर बैक रिवर्स करोगे तो ऐसे। और यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग भी दी हुई है, और बीच में नए वाला किया का लोगो मिल जाता है इसमें। ये क्रोम में दिया हुआ, वैसे सिल्वर में है, और पूरा है सिल्वर की। आपको पीछे ग्रिल सी भी मिल जाती है, रियर में वाइपर भी मिल जाता है आपको, डिफोकर भी मिल जाता है, चार पीछे पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे बम्पर के यहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया हुआ, और यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है सिल्वर का डार्क में। तो पीछे से कुछ ऐसी मिल जाती है आपको, और चार फ्रेम पीछे एंटीना मिल जाता है आपको। और साइड में आपको इसमें सिल्वर में ही रूफ रेल्स मिल जाती है, ऐसे आपको रूफ रेल्स मिल जाती है। अब मैं इस वाली साइड से आपको इसकी साइड से लुक को दिखा देता हूँ। तो दिखने में बहुत अच्छी गाड़ी है ये, मेरे को पर्सनली क्रेटा से बहुत अच्छी लगती है जैसे ये गाड़ी, लाइट से भी, क्योंकि क्रेटा की लाइट मेरे को अगली इतनी पसंद नहीं है ना ही पिछली। और इंटीरियर में क्रेटा थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसमें चारों पावर विंडो, और यहाँ पे सारे एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड के लिए सारी चीज मिल जाते हैं आपको कंट्रोल। यहाँ पे बोतल होल्डर भी मिल जाता है, और यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्विटर, और यहाँ पे सिल्वर में ही आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, सारे पियानो ब्लैक में फिनिश है इसकी। यहाँ पे कोई आपको ट्विटर नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें किया सेल्टोस में। और यहाँ पे भी सेल्टोस की है, ये आफ्टर मार्केट है जो मेरे को लगता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन का भी कंट्रोल मिल जाता है इसमें, यहाँ पे लाइट का मिल जाता है, यहाँ पे भी लाइट का मिल जाता है, और यहाँ पे इंजन ऑफ और ऑन के लिए पुश बटन स्टार्ट है ये। तो अब इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। ये पेट्रोल वेरिएंट है इसका,
तो एक बार कम कर लेते हैं आवाज, और एसी भी कम कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें सारे कंट्रोल दिए हुए हैं इस साइड आपको, वॉल्यूम अप एंड डाउन के और मोड के सारे, और फोन उठाने काटने के लिए भी दिया हुआ है। और बीच में कुछ ऐसा आपको मिल जाता है किया का लोगो, एयर बैग की बैजिंग दी हुई है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी आपको ये सिल्वर में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है सेल्टोस की बैजिंग। और डी कट में स्टीयरिंग व्हील है जो कि आपको स्पोर्टी फील करवाता है। और डी कट में आपको बता देता हूँ, जैसे कहीं का जैसे फैट होता है तो उनका पेट थोड़ा बाहर निकल होता है, तो उसके लिए होता है डी कट कि फंसे ना, जैसे वो गोल होता है पूरा स्टीयरिंग व्हील, इस चीज के लिए होता है डी कट स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें क्रूज कंट्रोल भी, साइड में क्रूज के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। और कुछ ऐसी आपको पूरे इसकी स्क्रीन मिल जाती है आपको, मतलब जो MID मिल जाती है, जिसमें 240 तक की आपको स्पीड लिमिट दी हुई है। नीचे इसके फ्यूल के लिए दिया हुआ आपको, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें जो डिजिटल बीच में थोड़ा सा मिल जाता है, साइड में 8000 RPM तक की दी हुई है मार्किंग पर, ये 6000 RPM तक ही जाती है। यहाँ पे देखो रेड दिया हुआ है 7-8 हजार पे, और नीचे सारे आपको ये पूरी कुछ ऐसी दिख जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सारा पियानो ब्लैक में, और ये पूरा यहाँ तक है। और साइड से बात करते हैं तो साइड में ऐसे कुछ आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाता है कुछ ऐसा आपको पूरा मिलता है इसका मीटर और स्टीयरिंग व्हील। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट की, कि मतलब कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसका पूरा म्यूजिक सिस्टम के साथ। स्क्रीन भी बहुत बड़ी मिल जाती है आपको स्क्रीन, और चौड़ी क्रेटा जितनी ही है वैसे स्क्रीन, और कुछ ऐसी मिल जाती है आपको स्क्रीन इसकी पूरी, जिसमें सारा आपको मिल जाता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। और अब बात करते हैं इसके स्पीकर की, स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके स्पीकर की क्वालिटी। अगर आपको जैसे मतलब वैसे मैं WRV की सुनता हूँ, तो WRV के सामने मेरे को कम लगी, पर अच्छी है, जैसे फटती नहीं आवाज़ इसकी अच्छी है। WRV में थोड़ी फटने लग जाती है। और यहाँ पे ब्लूटूथ की भी दी हुई है इन्होंने बैजिंग, ब्लूटूथ भी है, पूरा पियानो ब्लैक में दिया हुआ है सारा, एक पूरा मिलता है ये यहाँ तक। और यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, और इस साइड आपको लाइट के मिल जाते हैं कंट्रोल, ये भी ऑटोमेटिक ही है। और नीचे आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा इसमें, जो कि बहुत अच्छी चीज दी हुई है। यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक का AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, और जो कि दिखने में बहुत अच्छी मिलती है। जैसे अब हमारे पास WRV है, तो उसमें ये चीज कंट्रोल वैसे टच से है, वो चीज इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आसानी इसमें ही रहती है, उसमें टच में इतनी आसानी नहीं रहती। और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और चार्जिंग के लिए मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है आपको चार्जिंग के लिए। इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं आती यहाँ पे, बस जो कि आपको मिल जाती है दूसरों गाड़ियों में। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक स्पोर्ट्स का, और 6-speed गियर मिल जाता है, और एक रिवर्स का मिल जाता है। रिवर्स अगर आपको डालना है इसमें, तो इसको ऊपर करके फिर ऐसे डालना पड़ेगा। और कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, विद गाइडलाइंस है इसमें। देखो जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील करूँगा, तो गाइडलाइंस दी हुई है, तो कैमरा बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका कैमरा भी। और यहाँ पे व्यू पे आप डालोगे, तो जैसे आपकी गाड़ी चल रही होगी तो व्यू पे डालोगे, तभी भी आपको कैमरा हो जाएगा। जैसे अब न्यूट्रल है, तो अब व्यू पे डालूंगा मैं, जैसे आपकी गाड़ी अब चल रही होगी जैसे थोड़ी स्पीड में, अगर आप व्यू पे डालोगे तो कैमरा आपका चल जाएगा। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश ही दिया हुआ है इसमें, साइड में क्रोम का भी यूज किया हुआ है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको इसमें, और साइड में इसमें हैंड ब्रेक मिल जाता है, और ऐसा कुछ आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, इसमें स्पेस मिल जाती है आपको अच्छी खासी, जो कि सॉफ्ट टच है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है वैसे, और ये पूरा ब्लैक और बीच कलर में आपको इंटीरियर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बीच कलर दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा पूरा इसका आपको मिलता है इंटीरियर, जो कि बहुत प्रीमियम दिखता है आपको। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको IRVM। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर सनवाइजर में, और इस साइड आपको मिल जाता है वैसे आपको मिरर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें सनग्लासेस के लिए, और यहाँ पे मिल जाती है आपको लाइट, और जो कि LED में दी हुई है वैसे वाइट लाइट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सनरूफ, जो कि छोटे वाला मिलता, अभी खोलते नहीं है, छोटे वाला मिलता है सनरूफ, जिसमें से एक छोटा बच्चा ही निकल सकता है। मेरे को जो लगता है इन्होंने किया वालों ने इसमें देना चाहिए था पैनारोमिक सनरूफ, जो कि क्रेटा में आता है। अगर इसमें आ जाता पैनारोमिक सनरूफ, तो क्रेटा की मार्केट बिल्कुल कम हो जाती,
और किया सेल्टोस वैसे बहुत ज्यादा बिक रही है, जैसे अभी आई है 2 या 3 साल से आई है किया सेल्टोस, फिर भी बहुत ज्यादा बिक रही है ये किया सेल्टोस इनकी। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, इसमें भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, तो पूरा कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इंटीरियर इसका किया सेल्टोस का, जो कि बहुत प्रीमियम है। अब एक बार चलते हैं इसके पीछे वाली साइड, थोड़ा अभी सामान रखा हुआ है इसमें पीछे, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कैसे क्या। यहाँ पे ऐसे ही आपको पावर विंडो मिल जाती है, और ऐसे ही सिल्वर में मिल जाता है आपको डोर हैंडल, पियानो ब्लैक में आपको पूरा फिनिश मिल जाती है इसमें। यहाँ पे आप अपनी बोतल भी रख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है आपको, पीछे आपको ट्विटर नहीं मिलते, दो आगे ट्विटर मिलते हैं आपको, तो पीछे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको। थाई स्पोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका गाड़ी का, और स्पेस भी बहुत अच्छी है, और पीछे दो एसी वेंट मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी सॉकेट मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आप अपना फोन भी चार्ज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है स्मार्ट प्योर एयर के लिए, जैसे आपकी गाड़ी में जो कि एयर मतलब प्योरीफाई करता रहेगा, और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है पूरा इंटीरियर इसका। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें हैंडरेस्ट विद 2 कप होल्डर, और 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है, और इसके सीट का कवर है ये बीच कलर, जो कि कंपनी से ही आती है, और इसमें आप देख सकते हैं ऐसा लगेगा आपको कि वेंटिलेटेड सीट है, और वेंटिलेटेड सीट नहीं है ये। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सीट कवर मिल जाते हैं, और इसमें जैसे अच्छे चॉइस भी होती है ऑरेंज कलर की भी, तो ये बीच कलर इस पे सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको साइड में बीच कलर मिल जाता है, और यहाँ पे भी बीच कलर भी आपको, यहाँ पे लाइट मिल जाती है इसमें, ये भी LED है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कर्टेन भी इसमें, जैसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आपको, जैसे ये हो गया नीचे, और आप ऊपर करना है तो इसको यहाँ पे चढ़ा भी सकते हैं। आपको इसका एक बार हुड ओपन करके दिखा देता हूँ इंजन कैसा मिल जाता है आपको, तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसका पूरा इंजन, ये पेट्रोल वेरिएंट है इसका, तो कुछ ऐसा पूरा मिल जाता है आपको इसका इंजन, जो कि बहुत साइलेंट है, अंदर तक आपको आवाज भी नहीं आती, जैसे गाड़ी चल भी रही है तो आवाज भी नहीं आएगी आपको, बिल्कुल साइलेंट इंजन है बिल्कुल। और बहुत हुड बहुत इसका मतलब हैवी है, वैसे सारी चीज हैवी है, इन्होंने थोड़ा मतलब अंदर से ही पता नहीं क्या चीज कर दी है, जिससे इसकी बिल्कुल ग्लोबल इनक्लेफ में इसकी जो रेटिंग है वो 3 स्टार आई है, बिल्कुल 3 से भी कम ही आई है, 2 स्टार और 2.5 ऐसे आई है, तो वैसे गाड़ी अच्छी है बिल्कुल, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं इसको, बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं इसको। क्रेटा की जगह ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, वैसे क्रेटा इतनी अच्छी नहीं है, मैंने 2-3 क्रेटा का रिव्यू कर दिया है, पर इतनी प्रीमियम फील नहीं होती क्रेटा जितनी होती, अगर इसमें पैनारोमिक सनरूफ दे देते हैं ये तो भाई बिल्कुल बेस्ट कार थी ये इस प्राइस पॉइंट पे। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, आपको कितना बूट स्पेस मिल जाता है इसमें, तो बूट खोल लेते हैं, तो वैसे अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, पर ये थोड़ा ऊपर है मेरे को जो लग रहा है, और यहाँ पे ट्रे पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, ये ऊपर लग रहा है, अभी यहाँ पे इसमें ट्यूब रखी हुई है, ऊपर लग रहा है मेरे को, जैसे नीचे तक नहीं है ये ऊपर है। और अब खोल के यहाँ पे टायर भी मिल जाता है आपको, स्टील रिम मिल जाता है, और जिनकी जिसकी प्रोफाइल है 2065/65 R16 inches का मिल जाता है आपको, एक साइज घटा के दिया हुआ इन्होंने स्टील रिम, ये वैसे 17 inches का आते हैं। बूट भी इसकी बहुत भारी है वैसे, पर अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको फील होएगी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी गाड़ी की, पर ये है 2 और 3 स्टार रेटेड कार है ये। तो कुछ ऐसी थी इसकी पूरी वीडियो, किया सेल्टोस 2022 वेरिएंट। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी लक्ष्य जाट सुरान के नाम से, तो जरूर फॉलो कर ले मेरे को, और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।